नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूयाच्या काही सविस्तर बातम्या. हैदराबाद तेलंगा येथे राहणारा सय्यद नझीर याला हैदराबाद येथील IAS आणि IPS पोलिसांकडून मागील काही महिन्यांपासून त्रास दिला जात आहे. त्याच्या राहत्या घराचे वीज, पाणी व इतर सुविधा खंडित करून घर खाली करायला लावले व आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांनी बहिष्कारास्पद वागणूक सुद्धा दिली, असे सय्यद नझमी यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. मेरा नाम सय्यद नझीर है. मैं हिमायत नगर हैदराबाद से यहाँ पर आया हुआ हूँ. दो तीन दिन, एक चार पाँच दिन के लिए फिरने के लिए. बस अब था, ये आने की एक ख़ास वजह है. इस वजह से कि मेरे को तेलंगाना में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है. IAS और IPS ऑफिसर और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पीछे लगा हुआ है ताकि मैं खुदकुशी कर लूँ बोल के. बस अब था इसलिए कि मैं और मेरे माँ बाप और मेरे दूसरे भाई जो सो गवर्नमेंट और IAS के खिलाफ बोलते बोल के. बस अब था ये लोग मेरे को दिन रात टॉर्चर कर रहे हैं और अभी तक पांच घर खाली करा दिए पूरे तरीके से. उसमें जो सो बेसिक फैसिलिटी जो रहती वो पूरा कट कर दिए, करंट और पानी और जो सो ड्रेनेज. और बाजबता पूरी बस्ती अवेसी नगर, बापू नगर, अंबरपेट एरिया पूरा जितना भी है पूरा हम आपको बाइकआउट करा, घर देने से मना कर दिया. बाजबता अब जब भी अब मैं दूसरे एरिया में रह रहा हूँ वो भी उनकी मेहरबानी की वजह से, ताकि अगर उन्होंने हम पर दबाव ओनर पर दबाव डाल दिए तो मैं रेंट के घर में भी नहीं रह सकता. कांग्रेस सरकार ने गरिबासाठी काढलेल्या योजनेचा त्यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ झाला नाही, या विरुद्ध आवाज उठवल्यामुळे हा त्रास सहन करावा लागत असल्याचं सय्यदाने म्हटले. वजह एक ही चीज है, मैं एक राजीव गृह कल्पा हाउसिंग स्कीम के तहत बाजबता पब्लिक के लिए फाइट कर रहा हूं. ये जो सो ये स्कीम गरीबों के लिए ये कांग्रेस गवर्नमेंट 2005 में लाई थी. बाजबता वो अभी तक 15 साल होने के बावजूद उनको गरीबों को घर नहीं दे रहे. बाजबता उन लोगों ज़ईफ हो गए और कईयों लोग जो सो मर भी गए ऊपर चढ़ते चढ़ते दम चढ़ के, इसलिए कि ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर आप बिल्डिंग को शिफ्ट कर दिए, जिसके कारण कईयों लोग बीमार भी हो गए. बाजबता और 1000 रुपये उसको डिपॉजिट है, उसकी जो सो न्यूज़ जो सो सियासत मुंसिफ न्यूज़ जो सो 2010 में बाजबता इन लोगों को जो इनकी बेमानी है उसको एक्सपोज करती है और बतला रहे कि इलीगल तरीके से राशन कार्ड, वोटर आईडी जो है सो बनाकर जो है सो इन लोगों को दिया गया है और एक सिटीजन को दो दो तीन तीन घर दिए गए, जबकि गरीब को एक घर भी नहीं मिला. ये लक्ष्मीगुड़ा विलेज और चंद्रनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ. जब मैं आवाज़ उठाया तो कलेक्टर साहिबा से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बाजबता नहीं देते आपको घर, आप जो करना है कर लो, हम बेच के खाते बोल के ये बात बोले. तो मैं आवाज़ बुलंद करा, एक धरना करा मैं इंदिरा पार्क पे, उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ. तो पुलिस वाले जब मैं एक दिन गया पूछने के लिए मेरे को घसीटे डाल के, उसके बाद मैं खामोश बैठ गया तो यह हरासमेंट चालू हो गया. उसके बाद तो एक महीने के बाद मैं नहीं दे रहे बोल के खतर को चले गया था जॉब के लिए. फिर वहाँ से आया, फिर आने के बाद फिर शुरू हो गया. आगे क्या करते कार्रवाई पूछे मेरे को. मैं बोला आने वाले इलेक्शन GHMC के अंदर मैं अपनी आवाज़ रखता हूँ गरीबों के लिए. जो आपने हमारे ऊपर जुल्म किया पूरा जो है सो 18 साल मेरे फादर को आप करंट कट करें, इसके ऊपर मैंने पिटीशन दिया जज में, मजिस्ट्रेट, ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट वर्क बोर्ड, चीफ मिनिस्टर सबको दिया. तो मजिस्ट्रेट साहब बोल रहे केस क्लोज, फाइल बंद, आपको प्रॉब्लम क्या है बोल रहे. जबकि 18 साल एक इंसान जो है सो बिना करंट के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा क्या अंधेरे के अंदर कैंडल में. बस अब था छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उस टाइम पे. आप गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लियो बोले तो नहीं बोल के बोल दिए. बस्ती वाले अब बोल रहे कि इसके अंदर गवर्नमेंट का हाथ है. चीफ मिनिस्टर एक चंद्रबाबू नायडू को पूछो बोल के बोल रहे, जबकि मेरे मदर जो सो नायडू के TDP के मेंबर रह चुके 35 साल, उसके बावजूद जो सो हम लोग घर भी नहीं लिए एक 35 साल होने के बावजूद. आतापर्यंत मानसिक त्रास सहन करतच होतो, परंतु जीवे मारण्याचे सुद्धा प्रयत्न केले गेले आहेत. जर केंद्र सरकारने लवकरात लवकर तेलंगामधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध तपासणी सुरू केली नाही तर मी स्वतःला जाळून संपवून घेईल, असे वक्तव्य सय्यद नझीर यांनी केले. NPR और CA अलग चीज है. यहाँ पर तो मेरे को किराए के घर में भी इनके मर्जी के बगैर नहीं रह सकता हूँ. तो मैं बाजबता सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात को बाजबता आप गौर और फिक्र कर तेलंगाना के IAS पर आप इसके ऊपर लगाम लगाइए. ये क्या चल रहा है तेलंगाना के अंदर, एक इंसान को इतनी बुरी तरीके से बाइकआउट करा के, यानी उसको किराए के घर में तक नहीं रह सकते बोल के आप उनके ऊपर इंक्वायरी कराइए. अगर मैं झूठा निकल गया तो मेरे को जेल में डाल दीजिए, अगर मैं सच्चा निकल गया तो उनके ऊपर लगाम लगाइए. सोनिया गांधी मैडम बाजबता तेलंगाना के लिए फिक्रमंद थे, इसलिए मैं मैडम को बोल रहा हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात बोल रहा हूँ कि आप आगे बढ़कर इसके ऊपर कार्रवाई करना ज़रूरी है आपके लिए. अगर आप कार्रवाई नहीं करें आने वाले वक्त में, अब शायद होना है तो मेरे ऊपर जो सो मारने की तो कोशिश कर दी गई. मैं एक बिल्डिंग से गुजर रहा था अंबरपेट में, मेरे ऊपर एक हैवी आयरन प्लेट मेरे ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट से डाला गया, मैं बच गया, वो किस्मत की बात है.
अब मैं घर तक जाता हूँ नहीं जाता हूँ मेरे को भी नहीं मालूम। मैं एक्शन लेने की बात तो दूर की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर बाजबता एक्शन लेना ज़रूरी है, उनकी जिम्मेदारी, इसलिए कि सिटीजनशिप की बात आ गई, मेरी मेरे पूरे राइट्स छीनने की बात आ गई, तो आगे अगर एक्शन नहीं हुआ तो मैं बाजबता अपने आप को जला के रख कर देता हूँ, बस इतनी बात। कैमरामैन मसूद सह स्नेहा पारकर, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।